नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ के अतरौलिया में आज बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने प्रधानपति बलराम यादव पर फायर कर दिया। संयोग था कि गोली हाथ को छूती हुई निकल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के पिडरा गांव निवासी प्रधानपति पूर्व प्रधान बलराम यादव पूर्व दलधम्मन यादव की दुकान अतरौलिया CHC के बगल मेडिकल शॉप की दुकान है। रोज के भाव दुकान बंद करके मोटरसाइकिल से अपने घर की तरफ जा रहे थे कि जैसे ही 8 बजे के करीब घर के समीप पहुंचे थे कि दो बाइक पर चार अज्ञात बाइक सवारों ने बलराम यादव पर फायर झोंक दिया। संयोग अच्छा रहा कि गोली बलराम यादव के बाएं हाथ से छूती हुई चली गई। वहीं बलराम यादव ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर क्षेत्राधिकारी सिद्धार्थ सिंह, प्रभारी सौरभ शर्मा, थाना अध्यक्ष नदीम फरीदी, अपराध निरीक्षक यशवंत सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए। वहीं बलराम यादव को तुरंत नजदीकी सौसैया अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर मामूली इलाज करने के बाद छोड़ दिए। बलराम यादव ने एक तहरीर देकर आरोप लगाया कि क्या अज्ञात बदमाशों ने उनको जान से मारने की नीयत से एक फायर किया था। बलराम यादव ने बताया कि 20 वर्ष गांव का प्रधान हूँ। वर्तमान में मेरी पत्नी गीता यादव प्रधान है। मेरी किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी भी नहीं है। मामला जो भी हो, कुछ पुलिस छानबीन में जुट गई है। देर रात तक पुलिस इस घटना की जांच में जुटी रही। थाना प्रभारी नदीम अहमद फरीदी ने बताया कि तहरीर प्राप्त हो गई है। हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई करते हुए छानबीन की जा रही है। आइए सुनाते हैं कि पूर्व प्रधान बलराम यादव ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? बलराम यादव। क्या क्या घटना घटी, पूरी घटना बताइए आप। देखिए, मैं पेशेंस केमिस्ट हूँ और सरकारी हॉस्पिटल के सामने मेरी दवा की दुकान है। वहाँ से दवा की दुकान मैं बंद करके शाम 7 बजे निकला। 7:30 बजे जैसे ही पहुँचा अपने घर के पास, तो मेन रोड से गांव की तरफ एक रोड गया हुआ, पीच गया हुआ। विद्यालय से 100 मीटर पहले ही एक तिराहा है, निषाद भट्टा की तरफ से एक रास्ता है, खड़ंजा है। उधर से दो गाड़ी पर चार लड़के मोटरसाइकिल से बड़ी तेज़ी से आए, हमारे आगे आते तब तक मैं वहाँ पहुँच गया। मैं भी इधर से जा रहा था, गति से था, वो लोग भी आए। उतने में चलते ही गाड़ी से मेरे ऊपर वो फायर कर दिए और मैं उन सबों को पहचान भी नहीं सका, चूँकि रात का बेला 7:30 बज रहा था। और तुरंत मैं गाड़ी आगे बढ़ा दिया, चूँकि जब गोली चली, गोली का आवाज़, मैं गाड़ी बढ़ा दिया, 100 मीटर आगे गया। जैसे ही मेरे गांव से एक लड़का था, वो दुकान बंद करके जा रहा था, अपने बढ़िया में दुकान उकान किया, जलेबी वाले गुरु जी उनको बोलते हैं सब, खिलाऊ यादव, तो वो कह भी रहे क्या हुआ प्रधान जी, क्या हुआ, कैसी गोली चली, आवाज़ चली। 100 मीटर दूरी पर आगे जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। हमने कहा यहाँ गोली चल गई। क्या किसी को शक है? नहीं, ऐसा कुछ शक नहीं था। कोई रंजीश दुश्मनी ऐसा कोई? देखिए, हमारी कोई किसी नहीं थे। मैं 3-4 बार से गाँव का प्रधान भी हूँ। अब वैसे कोई रंजिश रखा हो तो रखा हो, नहीं मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और न कोई किसी से कोई विशेष विरोधाभास था। अब कोई अंदर से अपना रखा रहा होगा तो रखा रहा होगा, लेकिन मुझसे कोई किसी ने, न तो मैं पेशेंस केमिस्ट हूँ, न मेरा किसी से यहाँ भी विरोध है, न मेरा तहरीर देने जा रहे हैं। दुर्गा जी, घटना का कारण आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? अब घटना का कारण तो अब जब नहीं जानकारी तो हम कैसे बताऊँगा कि क्या कारण है, लेकिन अब जो भी हो, जैसे भी हो, हम तो नहीं पहचान रहे थे। दो मोटरसाइकिल पे चार लोग थे। थाना अतरौलिया में कल रात्रि में एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई कि उनको हाथ में गोली लगी है। इनको तत्काल उपचार के लिए भेजा गया। इनकी तहरीर पे अज्ञात लोगों के विरुद्ध 307 IPC का मुकदमा थाना अतरौलिया पर पंजीकृत कर लिया गया है। अभी तक के अनुसंधान से क्लियर हुआ है कि जो प्राथमिक मेडिकल रिपोर्ट है उसमें फायर आर्म इंजरी की कोई पुष्टि नहीं हुई है। उसको रेफ़र किया गया है एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए कि इंजरी किस प्रकार से उनको आई है। तो तमाम पहलू इसमें हैं, उन सभी पहलुओं पर पुलिस की विवेचना की जा रही है और घटना जिस प्रकार से भी घटित हुई है उसके संबंध में अच्छे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हुए बहुत जल्दी खुलासा किया जाएगा। जो भी इसमें शामिल है उनको गिरफ्तार करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में शासन के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के अपराध के तहत अलग अलग वृहद कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि शासन स्तर से 10 दिन का कार्य योजना बनाकर कार्रवाई का निर्देश मिला था, जिसमें आर्म्स एक्ट, शराब तस्करों वाहन अधिनियम सहित अन्य मामले वृहद कार्रवाई की गई है। कार्रवाई से संबंधित मामले पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जनपद आजमगढ़ पुलिस के द्वारा शासन के निर्देशों के क्रम में 90 दिवस की एक कार्ययोजना तैयार की गई थी, जिसमें जो प्रॉपर्टी संबंधी अपराध है
उसको रोकने के लिए लगातार प्रिवेंटिव कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई जिससे अपराधियों के हौसले पस्त हों। इन अपराधियों को, इन कार्रवाइयों को अमल में लाया गया। इसमें आर्म्स एक्ट के जो मुकदमे हैं जिसमें अवैध असलाह की बरामदगी है, वो पिछले साल 78 के सापेक्ष इस बार हमने 153 असलाह बरामद किए हैं, जो लगभग 200% के आसपास है। इसी प्रकार से NDPS एक्ट में मादक पदार्थों के विरुद्ध 20 के सापेक्ष हम लोगों ने 34 अभियुक्तों को जेल भेजा है। आबकारी में बड़ी अच्छी कार्रवाई, 128 के सापेक्ष 186 लोगों को जेल भेजा गया है। और जो मोटर व्हीकल एक्ट, सड़क पे अनुशासित तरीके से लोग चले, इसमें 19,000 चलान के सापेक्ष इस बार 39,000 चलान किए गए हैं, जिसमें फिर से लगभग दुगने चलान किए गए हैं। इसी प्रकार से गुंडा एक्ट में कार्रवाई 101 के बजाय इस साल 313 लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है, 300% की वृद्धि इसमें है। गैंगस्टर एक्ट में जो पिछले साल 24 दर्ज हुए थे इसी पीरियड के दौरान, वो हमने 39 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें 100 से ऊपर अभियुक्त हैं। NSA के तहत भी जो पिछले बार शून्य कार्रवाई थी, वो हम लोगों ने 6 NSA ऑलरेडी हम लोग शराब माफियाओं के ऊपर दर्ज कर चुके हैं। इसी प्रकार से अन्य निरोधात्मक कार्रवाइयों में भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, ताकि अपराधियों के हौसले पस्त हों। काफ़ी अपराधी पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए हैं। चेन स्नैचर, अभी हाल फिलहाल में एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, उसमें भी 25,000 का इनामिया पकड़ा गया, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ और उससे माल बरामद हुआ। इसका जो रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिला है कि लूट की घटनाएं जो 4 इस पीरियड में पहले हुई थी, वो 2 हुई हैं इस साल, लगभग 50% उसमें कमी आ गई है। नकबजनी की घटनाएं 22 के सापेक्ष 20 हुई हैं, कमी आई है। वाहन चोरी की घटनाएं 69 के सापेक्ष 65 हुई हैं, इसमें भी 4 संख्या की कमी आई है। इसी प्रकार से हत्याएं 14 हुई थी, इस बार भी 14 हत्याएं दर्ज हैं। 304 भादवी के मुकदमे, गैर इरादतन हत्या के जो मुकदमे हैं, उसमें भी 8 की बजाय 6 इस बार घटनाएं हुई हैं। बलुआ में बहुत भारी कमी है, ये 68 मुकदमे पिछले साल इसी दौरान दर्ज किए गए थे, इस बार 22 मुकदमे बलुआ के दर्ज हुए हैं। गंभीर चोट में भी इस प्रकार आधी संख्या रह गई है, 90 मुकदमे गंभीर चोट के प्रकरण आए थे, इस बार 54 मुकदमे गंभीर चोट के हैं। और दहेज हत्या में जो 6 मुकदमे दर्ज किए गए थे, वो सिर्फ 4 केस इस साल हमारे पास आए हैं। ये जो अपराध में कमी आई है और निरोधात्मक कार्रवाई में, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में बढ़ोतरी हुई है, इन दोनों का आपस में ये लिंकेज है कि अपराधियों के हौसले पस्त होंगे तो अपराध करने में उनके अंदर ये टेंडेंसी कम आएगी, प्लस वो जेल में रहेंगे और एक मैसेज समाज में जाएगा कि सभी लोग सुरक्षित फील करें। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। 90 दिवस की कार्ययोजना को रिव्यू करते हुए जहाँ जहाँ कमी रही है, जिन थानाध्यक्षों के द्वारा कमी रही है, उनको थानाध्यक्ष के पद से हटाया गया है। आगे भी हम लोग लगातार समीक्षा करते रहेंगे। शासन की प्राथमिकताओं में से हैं कि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार, उनकी सुनवाई, उनकी समस्याओं का निराकरण, और जो अपराध के, जो समाज के ऐसे तत्व हैं जो अपराध कारित करते हैं, उनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए उनको विधिक रूप से उनके हौसले पस्त किए जाएँ, इसी दिशा में आजमगढ़ पुलिस काम कर रही है। और आजमगढ़ की सिधारी पुलिस ने ई रिक्शा चालक हत्याकांड का आज खुलासा कर दिया है और उससे संबंधित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि श्रीमती कुसुमलता पत्नी अजय कुमार निवासी ग्रामपुरा पांडे थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने 20 मई 2022 को एक लिखित सूचना दिया था कि जमीन बंटवारे की रंजिश में मेरे पति अजय कुमार को मेरे ससुर रामचंद्र राम, मेरे जेठ विजय कुमार, मेरे देवर संजय कुमार और रणजीत पुत्र अज्ञात ने मारपीट कर हत्या कर दी, जिसका शव बैठौली बाईपास पर उसके द्वारा चलाए जाने वाले रिक्शे में मिला है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए और आज पुलिस के हाथ उन 3 अभियुक्तों के गिरेबान तक पहुंच गए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। मामले में शैलेंद्र लाल पुलिस अधीक्षक नगर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये प्रकरण यह है कि 18 जुलाई को भदौली बाईपास के पास एक ऑटो रिक्शा में एक शव बरामद हुआ था। ये अजय कुमार का शव था। इमीडिएटली पुलिस ने शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो इसमें एंटीमार्टम थ्रॉटलिंग पोस्टमार्टम में आया था, जिसकी गला दबा के हत्या की गई थी। अजय की पत्नी के द्वारा अपने ससुर, अपने जेठ, देवर व एक अन्य व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया था कि इनके द्वारा उसके पति की हत्या गला दबा के की गई। पुलिस ने इस प्रकरण में गहन विवेचना करी और विवेचना के उपरांत ये पाया गया कि अजय एक हिस्ट्री शीटर है धर्मेंद्र नाम से, उसका ई रिक्शा चलाता था और उसकी 2 पत्नियों को ई रिक्शे से कमाई का पैसा देता था, जिस अवधि में धर्मेंद्र जेल में बंद था। इस अवधि में अजय की नज़दीकी इसके परिवार की महिलाओं से बढ़ गई,
जिसकी नाराज़गी धर्मेंद्र और रमित जो उनका चचेरा भाई था उनसे हुई। इन लोगों ने 18 तारीख में अजय को भदौली के पास बाज़ार के पास बुलाया, उसको शराब पिलाई और शराब पिलाने के उपरांत इसको सुनसान स्थान पर ले गए जहाँ इन लोगों के द्वारा, तीन लोगों के द्वारा, धर्मेंद्र, रमित और पवन, इनके द्वारा इसके गला दबा के इनकी हत्या कर दी गई। जो धर्मेंद्र है थाना सिधारी का हिस्ट्री शीटर है, ये और तीनों की गिरफ्तारी करी गई है। गैंगस्टर एक्ट की इनके विरुद्ध कार्रवाई करी जाएगी और इनके द्वारा प्रॉपर्टी का जब्तीकरण की भी कार्रवाई करी जाएगी। तो धर्मेंद्र के अलावा किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है? इस पवन का भी है, एक उसके ऊपर मुकदमा है। मतलब परिवार की कोई भूमिका नजर नहीं आई जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए पत्नी ने तहरीर दिया? नहीं, बाकी किसी की इसमें संलिप्तता अभी तक विवेचना से नहीं आई, बाकी विवेचना भी जारी है। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड कोयलसा के ब्लॉक सभागार में दो दिवसीय पंचायत सहायक मित्रों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी श्वेता सिंह ने की। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि ग्राम सभा स्तर पर ही पंचायत भवन पर ब्लॉक संबंधित कार्य पंचायत सहायक मित्र द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से खतौनी निकालना, डोंगल लगाना, अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन से लेकर के मास्टर रोल सभी कार्य पंचायत सहायक मित्र द्वारा किया जाता जानते हैं। इसी वजह से सरकार पंचायत स्तर पर एक सहायक पंचायत की नियुक्ति की है। साथ ही कंप्यूटर के माध्यम से ये पंचायत सहायक ग्राम सभा स्तर पर लोगों की समस्या का निस्तारण करेंगे। जो पहले कार्य करने में जटिलताएं थी उनको सरलीकरण रूप देने का काम करें। एडीओ पंचायत अमरजीत सिंह ने पंचायत सहायकों को प्रशिक्षण दिया और उनको निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप सुबह शाम तक पंचायत भवन पर उपस्थित होकर के लोगों की समस्या का निस्तारण करें। इस मौके पर प्रशिक्षण शिवम राव, एडीओ कोऑपरेटिव हरकेश परमार, एपीओ मिंटू गुप्ता, केशव प्रसाद सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के बारे में बताइए, कितने दिवसीय प्रशिक्षण रहा, इस प्रशिक्षण के द्वारा क्या क्या जानकारी? अमरजीत सिंह, एडीओ पंचायत कोयलसा। ये दो दिन का अनावासीय प्रशिक्षण चल रहा है पंचायत सहायकों का, 31 और लास्ट हमारा समापन होगा 5 बजे। इनको गाँव पंचायत में रह करके कंप्यूटर संबंधी जानकारी, भुगतान की जानकारी, जो भी शासन द्वारा संचालित जो भी योजनाएं गांव पंचायतों में चल रही हैं उनका, इसके लिए उनके लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर विभाग के लोग, समाज कल्याण के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, पंचायत के हैं, ग्राम विकास के हैं, सभी लोग अपने अपने विषय की जानकारियाँ इन लोगों को दिए हैं। जिले से भी शिवम राव अभी आए थे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे, वो भी अपना SLWM के विषय में उन्होंने पूरी जानकारी इन लोगों को दिया। तो इन सभी जानकारी इन लोगों को दिया जा रहा है। विशेष रूप से हमारे गांव पंचायत में जो भी गांव पंचायत का भुगतान होना है, जो भी कार्य हमारे ग्राम निधि से हो रहे हैं उनका भुगतान अब इन्हीं को करना है और उसी गांव पंचायत से होना है, उसी कंप्यूटर से होना है। अगर ये कहीं अन्यत्र कैफे या ब्लॉक से किसी करवा ले रहे हैं, जैसे पहले होता था भुगतान, उस तरह से नहीं हो पाएगा। अगर ये लोग कहीं अन्यत्र अपने गांव से हट के भुगतान करेंगे, ये जानकारी शासन तक को हो जाएगी, ऐसा है उसमें किया जा रहा है। अच्छा, और क्या इनका प्रशिक्षण से पहले नहीं हुआ था? प्रशिक्षण लखनऊ में हुआ था, उनका लोहिया भवन में प्रशिक्षण, एक दूसरी प्रशिक्षण हुआ था। अच्छा, इनका मानदेय वगैरह सारी चीज़ें ग्राम प्रधान को देना है? हाँ, गाँव पंचायत प्रधान और सचिव जो खाता होता है लोगों का, 6,000 रुपये मानदेय है। अच्छा, इनका मतलब सुनने में आ रहा था कि लोगों को भी मानदेय काफ़ी लंबे समय से नहीं मिला है? सर, अधिकांश हमारे यहाँ से दे दिया गया है, कहीं कहीं जैसे सचिव का स्थानांतरण हो गया जहाँ, और वहीं कहीं दिक्कत है, बस और कहीं नहीं जहाँ जो भी दिक्कतें थी उनको दूर कर लिया गया है। कहीं टेक्निकलिटी जहाँ थी वहीं रुका हुआ था, और कुछ सचिव स्थानांतरित हो गए थे, DSC उनकी मिस्टेक नहीं हो पाई थी, इसलिए नहीं रुका था। 6-6 महीने बता प्रयास कर रहे हैं कि सबका मानदेय दे दिया गया। अब तक जैसे लोग आते जाते नहीं थे, कोई जानकारी नहीं हो पाती थी और कहीं कहीं लोग नहीं पहुँच पाते थे, लेकिन अब सुबह 10 बजे इन लोगों को वहीं पंचायत भवन से जहाँ कंप्यूटर लगा है वहाँ से उन लोगों की हाजिरी होती है। अच्छा, ये लोग मतलब प्रतिदिन स्टेट हॉलीडे के दिन ये इनको बराबर इनकी उपस्थिति इनके पंचायत मिल रही है? हाँ, अगर नहीं मिलती तो
नहीं मिलती क्योंकि अब कार्रवाई होगी उस दिन का मानदेय कार्रवाई आपके स्तर से होगी कि सचिव जैसे अगर सचिव हमको सूचना देंगे तो हम उनका मानदेय रोकने के लिए उनको निर्देशित कर देंगे कि उनका मानदेय रोक दिया जाए। चलो ठीक। आजमगढ़ में सगड़ी तहसील परिसर में आज एक मामला प्रकाश में जिसमें पीड़िता ने अपनी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों के खिलाफ उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। सदी कुनिशा पत्नी खुर्शीद निवासी करमैनी द्वारा यह कहकर जमीन दी गई थी कि अधिया और बटाई चूकी उसे देते रहना, लेकिन विपक्षी की नियत खराब हो गई और वह कुछ भी नहीं देते। साथ ही पीड़ित के बच्चों को जान माल की धमकी भी दी जा रही है और अन्य तरीके से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। संबंध में पीड़िता ने न्याय की मांग की है। अच्छा बताइए आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा जिला आजमगढ़। नाम क्या है आपका? समीम मोहम्मद। जिला आजमगढ़ थाना बिलरियागंज और तहसील सगड़ी करमैनी गांव का रहने वाला। क्या मामला क्या है आपका ये? मेरा मामला ये है कि मेरी पैतृक संपत्ति बाप दादा आजा की और मेरी माता जी के नाम रजिस्टर्ड वसीयत करके मेरे आजा जी मर गए और मेरी माताजी अधिया बटैया पे दी थी, उसको गलत तरीके से भूम माफियाओं द्वारा जो है कब्जा करके जोता बोया जा रहा है। जब हम छोड़ने की बात करते हैं या नपवाने की बात करते हैं तो जान मारने की धमकी मिलती है और जो है गलत फंसाने की धमकी मिलती है। कौन है वो ग्राम प्रधान और वो एक किस गांव मामला है? हेलो, ये बेलास पुत्र अकालू द्वारा आदि जोता बोया जाता है, जबकि हमारी माताजी इनको अधिया बटैया पे दी थी। ये भूम माफिया विचार के लोग हैं। किस गांव का मामला है ये? अराजी द्वारा नौबरार करखिया किताब फर्स्ट का मामला है। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की? हमने इसकी शिकायत डीएम साहब के यहाँ, एसडीएम साहब के यहाँ, तहसीलदार साहब के यहाँ तीनों जगह की। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हमको अपनी जमीन का ही हमको कब्जा दिलाया जाए, न्याय हो। हथरौलिया में व्यापार संगठन की बैठक में अध्यक्ष पद पर नवनीत जायसवाल, उपाध्यक्ष पद पर प्रवीण मधेसिया पर मुहर मुहर लग गई है। हथरौलिया में व्यापार संगठन के कोर कमेटी बैठक शुक्रवार को फैशन हट प्रतिष्ठान पर की गई। बैठक में कोर कमेटी के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत से नवनीत जायसवाल को हथरौलिया व्यापार मंडल का अध्यक्ष, प्रवीण मधेसिया को उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया, जहाँ व्यापार संगठन ने लोगों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इसके अलावा महामंत्री पद पर सुमिता ग्रहरी, कोषाध्यक्ष पद अरविंद जायसवाल तथा संगठन मंत्री परिषद सदस्यों को किशन मधेसिया, नीतीश जायसवाल, रवि कुमार अग्रहरी, प्रवेश कसौधन, शशिकांत मधेसिया, सागर सोनी वही मंत्री के पद पर तीन सदस्यों मोहित सोनकर, गोपाल कसौधन तथा बंटू शर्मा है। मीडिया प्रभारी के पद पर रजत मधेसिया तथा मनीष सोनी को मनोनीत किया गया। संगठन के मुखिया के रूप में सगीर अहमद अंसारी को सर्वसम्मत से संरक्षक पद पर मनोनीत किया गया। बैठक में मुख्य रूप से व्यापार तथा व्यापारी की आने वाली समस्याओं पर विस्तार से चर्चा किया गया तथा कोर कमेटी के सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यह मनोनीत पद या 31 मार्च 2023 तक के होंगे। मार्च के बाद नए सत्र से चुनाव द्वारा पद को चयन किया जाएगा। तब तक के लिए उपरोक्त पदों पर कार्यवाहक पदाधिकारी के रूप में लोक संगठन को मजबूत देंगे। आज सुनाते हैं कि नवनीत जायसवाल हथरौलिया व्यापार मंडल के अध्यक्ष और प्रवीण मधेसिया उपाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। व्यापार संगठन का गठन हुआ है जिसमें आप अध्यक्ष पद पर मनोनीत, प्रथम वार्ता क्या रही है, चुनौती क्या रहेगी, इसके बारे में बताइए। हथौलिया में व्यापारियों के द्वारा मुझे अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है और यहाँ पे काफ़ी टाइम से व्यापार संगठन नहीं था, जिसके लिए व्यापारी मिलके सबसे पहले इसको एक अध्यक्ष, हम लोग अध्यक्ष में मनोनीत हुआ हूँ और कुछ पदाधिकारी हैं जो हम लोग साथ में एक टीम गठित हुआ है। इसका मेन काम यह है कि मार्केट में जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो पूर्ति नहीं हो पा रही हैं उसका शासन के द्वारा इस सबको हम लोग पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको कुछ ऐसी कुछ मांगे हैं जो प्रोग्राम में व्यापार संगठन का गठन करें, आपको उपाध्यक्ष पद की मनोनीत किया गया है, क्या है कि व्यापार हथौलिया में नहीं था कुछ दिनों से और क्या है ऐसा कुछ करके आगे बढ़ेगा? काफ़ी दिनों से हथौलिया में व्यापार मंडल का गठन नहीं हो पा रहा था, जिसमें व्यापारियों की तमाम छोटी बड़ी समस्याएं थी। कोई मंच ना होने के कारण उस समस्याओं को व्यापारी खुद जूझते थे
उसी को ध्यान में रख करके यहाँ व्यापार मंडल का गठन किया गया, जिसमें मुझे उपाध्यक्ष पद पर पे मनोनीत किया गया है। यह पद 31 मार्च 2023 तक के रहेगा। उसके बाद जितने भी पदाधिकारी, जितने भी पद हैं, सब पर चुनाव के द्वारा चयनित किया जाएगा और वो व्यापार मंडल, वो उस समय जो व्यापारी रहेंगे उनके सामने एक चुनौती है कि हमारे बाज़ार में तमाम कई मूलभूत बड़ी समस्याएं हैं जो जिन पर कोई मंच ना होने की वजह से वो समस्याएं काफ़ी दिनों से ऐसे चली आ रही हैं। हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि उस समस्याओं को शासन प्रशासन को अवगत कराएं और व्यापारी हित में, जिससे व्यापारी और व्यापार की सुरक्षा किया जा सके। खबर आपको सोनभद्र से दिखा रहे हैं, जहां पर थाना जुगल पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से संबंधित एक नफर वांछित अभियुक्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना जुगल पुलिस द्वारा थाना ओबरा पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 169/2022 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्ता शकुंतला गुप्ता पुत्री अलगू गुप्ता निवासी तेलंग थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेज दिया है। खबर आपको वाराणसी दिखा रहे हैं, जहां पर थाना रोहनिया व आबकारी की संयुक्त टीम ने लगभग 2,65,000 रुपये की कीमत की 365 बेटी अवैध अंग्रेजी शराब से लदे ट्रक सहित अभियुक्त असलम को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षक तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक रोहनिया मय पुलिस टीम व आबकारी टीम द्वारा मुखबिर की खास सूचना पर वाहन टाटा ट्रक गुड्स कैरियर बदलते हुए नंबर BR01H8482 जो चंडीगढ़ से अवैध नजायज देसी शराब लादकर बिहार जा रही थी, वो पुलिस बल द्वारा मोहन सराय से लहर तारा मार्ग पर गांधी जी राय से अभियुक्त चालक असलम पुत्र शाहिद उम्र करीब 40 वर्ष निवासी संजय नगर थाना धामोड़ जिला मध्य प्रदेश को वाहन व अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में आबकारी अधिनियम थाना रोहनिया जनपद वाराणसी में पंजीकृत आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय वाराणसी ग्रामीण के कुशल नेतृत्व में थाना रोहिणिया व आबकारी टीम के संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें 3,204 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई। इसकी कीमत करीब 26,50,000 है। ये चंडीगढ़ से बिहार की तरफ जा रहे थे। इसमें गिरफ्तारी एक अभियुक्त की हुई है। कहाँ से रहने वाले हैं ये? इसका नाम असलम है, ये पुत्र शाहिद है, जिनकी उम्र करीब 40 है, ये जिला धार मध्य प्रदेश के रहने वाले। रोहिणिया पुलिस टीम पकड़ी है कि और कोई भी दूसरी टीम? इसमें रोहिणिया पुलिस टीम के साथ साथ आबकारी टीम का भी सहयोग पूरा रहा है। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? इनकी गिरफ्तारी ये जा रहे थे गांधी जराये पे, जो मोहन सराय अल्लाह तारा जो है उस पर गांधी जराये से पकड़े गए।